डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास सिक्स का हिंदी बुक है, चैप्टर 14, और इस चैप्टर का नाम है कपट मिर्ग। तो यहाँ पे जो ये कविता दिया हुआ है, यह रामायण से लिया गया है। इसके नीचे में बतलाया गया है, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये तुलसीदास के द्वारा रचित कविता है, और इसमें बतलाया गया है ये चौपाइयाँ राम भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य श्री रामचरित्र मानस के अरण्य कांड से संकलित है, मतलब अरण्य कांड से लिया गया है। तो रामायण भी अलग अलग पार्ट में है, जिसमें से अरण्य कांड उसका एक पार्ट है, उससे यह कविता को लिया गया है। तो हम लोग इस कविता को पढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं कि क्या बतला रहा है यह कविता। तेही बन निकट दसानन गयउ, तब मारिच कपट मृग भयउ। अति विचित्र कछु बरनी ना जाई, कनक देह मनी रचित बनाई। चौपाइयां है ये, तो चौपाइयां का मतलब होता है कि चार चार लाइन का होता है, तो यहाँ दो दो लाइन करके दिया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे ये दो लाइन हुआ, फिर एक लाइन यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे तीसरा और ये चौथा, इस तरह से। तो चौपाइयां है तो चार लाइन बोलने के बाद मैं इसका वर्णन कर रहा हूं। तो यहाँ पे तुलसीदास इन पंक्तियों के माध्यम से जैसे कि बतला रहे हैं, उस वन के निकट दशानन रावण जाता है, जहां रघुवीर राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ एक कुटिया में रहते हैं। रावण अपने मामा मारिच को एक कपटी हिरण बनने को आदेश देता है, और मामा मारिच एक कपटी मृग बन जाता है। कपट का अर्थ है धोखा देना, धोखा देने वाला। अब आगे उस हिरण के बारे में जैसे कि यहां बतलाया गया है, वह मृग अति सुंदर था, वह एक स्वर्ण मृग बन जाता है, जिसका शरीर मणि जड़ित था। वह मृग इतना सुंदर था कि उसका वर्णन भी करना मुश्किल था, इसीलिए माता सीता देखकर वो चाहती है कि उसके छाल उनको मिल जाए। आगे यहां पे दिया हुआ है, सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, एही मृग कर अति सुंदर छाला। आगे यहां पे इन पंक्तियों में तुलसीदास जी कह रहे हैं, माता सीता जब उस मृग को देखती है तो बस उसकी सुंदरता देखती रह जाती है, उसके अंग अंग इतने सुंदर थे कि कोई भी मंत्र मुग्ध हो जाए। तब माता सीता रघुवीर श्री राम से कहती है, हे कृपालु रघुवीर, यह स्वर्ण मृग कितना सुंदर है, इसकी छाल से मैं अपनी कुटिया सजाऊंगी। हे कृपालु रघुवीर, मुझे इसकी छाल ला कर दीजिए। वह श्री राम से प्रार्थना करने लगती है उसकी छाल पाने के लिए। तब आगे क्या होता है, सत्य संध प्रभु बधी करी एही, आनहु चरम कहती वे देही। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्षि सुर काजू सवारन। अब आगे यहां पे तुलसीदास जी कह रहे हैं, माता सीता प्रभु राम से उस मृग का छाल लाने की प्रार्थना करने लगती है। प्रभु श्री राम को तो सब पता था, यह जंगल तरह तरह के मायावी असुरों से भरा पड़ा है, भला अचानक से जंगल में स्वर्ण मृग कहां से आ जाएगा। निश्चय ही यह किसी असुर की माया है। वे माता सीता को समझाने का प्रयास भी करते हैं, परंतु माता सीता के विनती के सामने उनको झुकना पड़ता है, और अंत में वे हर्षपूर्वक उठते हैं और अपने शस्त्र को लेकर तैयार हो जाते हैं। आगे दिया हुआ है यहाँ पे, मृग विलोकी कटी परी कर बांधा, करतल चाप रुचिर सर सांधा, प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निशीचर बहु भाई। अब यहां पे तुलसीदास जी कह रहे हैं, श्री राम मृग को देखते हैं और भगवे रंग का वस्त्र अपने कमर में बांध लेते हैं। वो जो वस्त्र कंधे में रखते हैं उसी को अपने कमर में बांध लेते हैं, अपना धनुष बाण हाथों में लेते हैं, और चलने से पहले वे भ्राता लक्ष्मण को समझाते हैं, हे लक्ष्मण, इस वन में अनेकों निशाचर फिरते हैं, सावधान रहना। इसके आगे यहाँ पे दो लाइन दिया हुआ है, सीता केरी करेहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। कि हे लक्ष्मण, तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी का रखवाली करना। अब मृग प्रभु को देखकर भाग निकलता है, प्रभु श्री राम भी धनुष में बाण चढ़ाकर उसके पीछे पीछे दौड़े जाते हैं। तो इस कहानी को, रामायण की कहानी को जब पढ़ा जाता है, जब आप सुनते हैं, तो बस उसमें लोग खो जाते हैं। तो यहाँ पे यह कविता समाप्त हो गया है। अगर इसके बारे में और जानना हो
तो आप लोग रामायण की जो सीरियल्स आते हैं या फिर रामायण के कई सारे बुक्स मिलते हैं उसको आप पढ़कर जान सकते हैं। इसके अलावा क्लास सिक्स में रामायण का किताब भी चल रहा है शिशु विद्या मंदिर में। तो यहाँ पे यह कविता समाप्त हो गया है, आइए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है शब्दार्थ दिया हुआ है, क्योंकि पोयम में जो शब्दार्थ शब्द यूज होता है वो काफी डिफिकल्ट होता है, ब्रज भाषा में इसको लिखा गया है, तो इसीलिए इसका अत्यधिक जो है शब्दार्थ यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़कर जरूर याद करें। इसके बाद यहाँ पे इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, मारीच कौन था, रावण उसके पास किस उद्देश्य से गया था। इसके अलावा यहाँ पे सरलार्थ भावार्थ को लिखने के लिए कहा गया है, और इसमें भाषा अध्ययन में कुछ व्याकरण का भी क्वेश्चन है। यहाँ पे मृग का पर्यायवाची शब्द, सिंह का पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए कहा गया है। तो आइए मैं आप लोगों को इसका आंसर बना के देता हूं। यहाँ पे है चैप्टर 14 का क्वेश्चन आंसर, मारीच कौन था, रावण उसके पास किस उद्देश्य से गया था। मारीच एक मायावी राक्षस था, सीता हरण में वह सहयोग करे इसलिए रावण उसके पास गया था। रावण चाहता था कि मारीच राम लक्ष्मण को कुटिया से दूर ले जाए, तब वह सीता जी का हरण आसानी से कर सकेगा। कपट मृग से क्या आशय है, कपट मृग से आशय है धूर्त और मायावी हिरण। सीता जी ने सोने के हिरण को देखकर श्री राम से क्या प्रार्थना की, सोने के हिरण को देखकर सीता जी ने श्री राम से कहा, हे कृपालु रघुवीर, इस स्वर्ण हिरण को मारकर इसका सुंदर छाल ला दीजिए। उठे हरसी सुर काजू समारण में, सुर काजू क्या हो सकता है। राक्षस देवताओं को बहुत परेशान करते थे, श्री राम का अवतार राक्षसों को मारकर देवताओं की रक्षा करने के लिए ही हुआ था। यहाँ सुर काजू का आशय राक्षसों को मारकर देवताओं की रक्षा करने से है। हिरण को मारने के चलने से पूर्व श्री राम ने क्या क्या तैयारियां की। सीता जी के आग्रह पर श्री राम हिरण को मारने चले, चलने से पूर्व उन्होंने अपना भगवा रंग के वस्त्र को कमर में बांधा, धनुष बांध लिए और लक्ष्मण जी को समझाए कि वन में बहुत मायावी राक्षस विचरण करते हैं, सीता की सुरक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 6 में सरलार्थ लिखने के लिए कहा गया है, सरलार्थ का अर्थ है भावार्थ। तो यहाँ पे जो पंक्ति दिया हुआ है इसका भावार्थ यहाँ पे दिया हुआ है, उपयुक्त पंक्ति कपट में कविता से उद्घृत है, प्रभु श्री राम ने अपना भगवा रंग के वस्त्र को कमर में बांधा, धनुष बांध लिए और लक्ष्मण जी को समझाए कि हे लक्ष्मण, वन में बहुत मायावी राक्षस विचरण करते हैं, तुम सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला, श्री राम भी धनुष पर बाण चढ़ाकर उसके पीछे दौड़ चले। और यहाँ पे जो दो पंक्ति दिया हुआ है इसका भावार्थ यहाँ पे है, उपयुक्त पंक्ति कपट मृग कविता से उद्घृत है, सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी, वह मृग की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है और प्रभु श्री राम से प्रार्थना करती है, हे कृपालु रघुवीर सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है, इस स्वर्ण हिरण को मारकर इसका सुंदर छाल ला दीजिए। और भाषा अध्ययन में यहाँ पे पर्यायवाची शब्द बतलाने के लिए कहा गया है, जैसे कि मृग दिया हुआ है, मृग का हिरण सारंग हो गया, और सिंह का केसरी शेर, श्री राम इसका पर्यायवाचिक राघव, और सीतापति वैदेही, वैदेही का सीता और जानकी। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसके नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं।